हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश सर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, आप सभी का स्वागत है दुर्गेश सर आईटीआई चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, दुर्गेश सर आईटीआई चैनल पर फिटर ट्रेड का फुल थ्योरी कोर्स चल रहा है, जिसका फाइल टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर हम आज सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। ठीक है, जैसा कि आपको फर्स्ट लेक्चर में ये 4 पॉइंट लिखवाए थे कि टैंक को छोड़कर बाकी भाग हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। ठीक है, अब हार्ड एवं टेम्पर क्या होता है, पहले टैंक आप समझ लीजिए कि इसको हम टैंक बोलते हैं। ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है फाइल का, इसको हम क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं। ठीक है, और इसी को छोड़कर बाकी सभी भाग को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। अब बाकी सभी भाग को क्यों हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, क्योंकि ये तो हैंडल में फिट होते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं है कटिंग में, है ना, इसलिए इसको हम हार्ड एवं टेम्पर नहीं करते हैं। जो हमारा कटिंग में उपयोग होने वाला है, ये हमारा फेस होता है और इसी पर ही दांते कटे होते हैं, और ये साइड होता है और इसको हम पॉइंट बोलते हैं, और इसको हील, और ये मेरा सोल्जर होता है रेती का। हम क्लास रेती के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, उस समय पूरी इसके डीपली करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि ये आपका सोल्जर है। ठीक है, इसके रेती का सोल्जर है, और इसको यहाँ ये इस पर्सन को हम हील बोलते हैं, और हील पर ही रेती के नाम, रेती की साइज लिखी रहती है, रेती की कौन सी कंपनी से आता है वो चीज लिखा रहता है कंपनी के नाम। ठीक है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं, टिप चाहे पॉइंट या टो भी बोलते हैं, ये मेरा साइड होता है। और रेती की लंबाई यहाँ से फाइल से रेती की जो लंबाई होती है पॉइंट से लेकर हील के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो आपका फाइल लेंथ ऑफ फाइल। ठीक है, रेती की लंबाई लेंथ ऑफ फाइल। ठीक ना, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम समझते हैं कि टैंक को छोड़कर बाकी हार्ड एवं टेम्पर होता है, तो ये हार्ड एवं टेम्पर क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो रेती की, अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, रेती की दांतों को हार्ड करने की विधि। अगला आपका पॉइंट है, रेती की दांतों को हार्ड करने की विधि दो होती है, फर्स्ट होती है हार्डनिंग और सेकंड होती है टेम्परिंग। ठीक है, इसको समझिए, फर्स्ट आपका हार्डनिंग होती है, हार्डनिंग, और सेकंड आपका टेम्परिंग होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये हार्डनिंग क्या है, टेम्परिंग क्या है, हार्डनिंग कैसे करते हैं, टेम्परिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि हार्डनिंग कैसे करते हैं। तो किसी स्टील हो गया आपका, चाहे या कोई भी मेटल को हम भट्टी में उसके टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो एक डिफाइंड टेम्परेचर होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। अब समझते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसमें 723 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो वहां से उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और 800 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते उसका स्ट्रक्चर में बदलाव आना, मतलब बदलाव रुक जाता है, उसको हम कहते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो हम हार्डनिंग कैसे करते हैं, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करते हैं। ठीक है, 30 अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक सेल्सियस गर्म मेटल को करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के लिए आपका जल, ठंडा करने के लिए जल, वायल, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन, इन तीनों में से किसी एक में हम ठंडा कर देते हैं, क्या करते हैं, मेटल को उसमें डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये सारा चीज, इसको हम बोलते हैं क्विंचिंग मीडिया। जिस सॉल्यूशन में हम ठंडा करते हैं मेटल को, उस
मीडिया को हम बोलते हैं क्विंचिन मीडिया या हिंदी में सम्मेलन माध्यम, ये चीज होता है। एक बार फिर से समझिए हार्डनिंग क्या करते हैं। आपके क्रिटिकल टेम्परेचर समझ, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ गया 723 डिग्री सेल्सियस, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक सेल्सियस तक मेटल को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको हम क्विंचिंग मीडिया में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, और जिस क्विंचिंग मीडिया में डालते हैं, ठीक है, या सम्मेलन माध्यम में, इसमें सबसे अधिक सबसे अच्छा सब क्विंचिंग मीडिया मेरा क्या है, तो ब्राइन सॉल्यूशन है। इसमें बहुत तेजी से हमारा मेटल जो है ठंडा होता है, और जितना ही जल्दी से ठंडा होगा हमारा उतना ही हार्डनेस मेटल पर उतना ही हार्डनेस आएगा, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब समझते हैं टेम्परिंग। अब सेकेंड चीज समझते हैं टेम्परिंग, ठीक है। टेम्परिंग में कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस है। इसको भी क्या करते हैं कि मेटल को 800 डिग्री सेल्सियस यानी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक सेल्सियस तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसको क्विंचिंग मीडिया, अब क्विंचिंग मीडिया आपका क्या है, जल, वायल, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक में तुरंत डालकर तुरंत निकाल लेते हैं, तो वह क्रिया जो होती है हमें उसको हम टेम्परिंग कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, अपर टेम्परिंग में क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक सेल्सियस गर्म करके उसको तुरंत गर्म करने के बाद तुरंत डालकर तुरंत निकाल लेते हैं, यह क्रिया जो होती है टेम्परिंग होती है। ज्यादा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो वही हार्डनिंग के प्रोसेस हो जाएंगे। समझ में आया, आई होप यह लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।